क्योंकि ये गेम ही है धोखे का। जनता मुझे पसंद करती है या आरसी जैसे लोगों को पसंद करती है? इस बार नॉमिनेशन का जो था वो कुछ अलग ही जोन में था, कहीं ना कहीं बहुत अनफेयर था इस बार। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और आप देख रहे हैं बुक माई टीवी। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न का दूसरा नाम है बिग बॉस और हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति कुमारी जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ज्योति जी। हाय, नमस्ते ज्योति जी। पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला दैट यू आर एविक्टेड फ्रॉम द हाउस, आपको घर से बाहर जाना मिल रहा? कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि लग जाएंगे तो इसके लिए बुरा, ऑब्वियसली सारे लोगों को लगता है घर में बेघर होने से, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे लोगों से अच्छी थी घर में, बेटर थी। मैं बिग बॉस के घर में जितनी मैं दिखती थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे, 2-3-4-5 जन जो नहीं दिख पाते थे, तो इस वजह से बहुत दुख हुआ। सपना ने आपको एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की थी जब यू नो आपका कुछ और माइंड में था, लेकिन आप किसी की और बातों में आके आपने किसी और की हेल्प की और सपना ने कहा कि मैं ये दिखाना चाहती थी। वो जो किस्सा जो होता है, कभी कभी आप सोचती कि आज अगर मैं उसको शायद नहीं करती तो जो विश्वास एक होता है घर वालों का वो मुझ पे बना रहता। हाल ही में पुनीस और बंदगी का सपने से झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने अभी जाकर बताया कि इन लोगों का पहले से प्लान था कि सपना बंदगी के बंदगी में ही वो उनको झंडा गाड़ेंगी और बंदगी को ही वो बचाएंगी, पर उन लोगों का जो प्लान था फिर उन मेरे पास आए। कहीं ना कहीं वो उनको पता था कि मैं नहीं दूंगी, तो पहले से ही प्लान था जो लोगों को अब जाकर पता चला है सपना जी के बारे में। तो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए और जो शिवानी जी थी उनको बैन को बचाना था, तो मुझे लगा कि वो बड़ी हैं तो शायद वो, उन्होंने बताया कि ये तुम मतलब कि जो जिससे वादा कर रही हो उसको देखो कि उसका सोच अच्छा है या नहीं और तुम जिसको दिल करे उसमें डालो। तो मैंने इसलिए बैन बिना आपसा को मैंने डाला और सपना जी का पहले से प्लान था कि वो उनमें ही डालेंगे, पर उनको कहीं ना कहीं वो पूरी चीज़ें बिग बॉस में दिखाई नहीं गई थी। तो अभी जाकर पुनीस और बंदगी ने बात बताई थी घर वालों को कि ऐसा हुआ है, तो उनको मेरे से मुझको नीचे दिखा के अपने आप को ऊपर दिखना था, जो शायद दिखी, बहुत दिखी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो वो कहते हैं ना एक अपनी खुद की सोच होती है, जो खुद की सोच रखनी चाहिए थी, लोगों ने कहीं ना कहीं आपको बहुत समझा कि आपको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये बात सच साबित हुई है? नहीं, मैंने कभी भी विकास जी के बातों में नहीं आई और लोग मुझे बना सकते थे पर मैं बना नहीं पाई, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब लव का वो था शीशे का बॉल गिराना, तो विकास जी ने कहीं ना कहीं मुझे बोला कि ऑलरेडी लव सेव हो चुका है तो तू फिर उसका वो फोड़ कर उसे पंगे मत लेना, तो उसका मत गिराना और लूसी को गिराना, क्योंकि उनको लगा कहीं ना कहीं अच्छे क्योंकि झगड़े फिर मेरे लव के बीच में होगा, तो उनका सोच अच्छा था, पर मैंने फिर भी लव को गिराया क्योंकि मेरा ये सोच नहीं था। मुझे लव से ज़्यादा गेम में कहीं ना कहीं उस बीच लूसी का लगा था, लव जो चलता था अकड़ू बन के वो अपने अलग ही जोन में था, तो इसलिए मैंने फिर भी लव का ही गिराया था, तो मैं लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं आता। तो ज्योति जी, मेरा आपसे सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ड्यू फील चीटेड? ऐसे तो मैंने किसी पर घर पर ज़्यादा लोगों पर मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि ये गेम ही है धोखे का, तो बस कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी जगह लगा जहाँ बिनापसा, मुझे लगा कि बिनापसा ने मुझे कहीं ना कहीं वो खुद को लाइन में लाने के लिए कहीं ना कहीं वो सच नहीं बोल पाई और वो उसने मुझे बोला कि लोगों की बातों में आकर कि इसको बाहर जाना चाहिए, पर सलमान सर ने फिर बाद में मुझे एंट्री करवाई और उसको बाहर किया। पिछले कुछ दिन में हमने देखा एक ऐसा टास्क हुआ था जहाँ पे मेरे हिसाब से शरीर वो जो गेम है वो पलट गई थी, जहाँ मेहजबी को आपका हाथ पकड़ना था और आप दोनों का वो जो टास्क चल रहा था उसमें मेहजबी ने अपना हाथ छुड़वा लिया था, ये कह के कि मुझे अपने आप को बचाना है, बचाने तो बहुत होंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है वही एक पल ऐसा था, अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं घर में होती ही होती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि महजबी जी पहले से शायद शुरू से दिखाया गया पता नहीं, पर पहले से बोल रही थी कि जो भी हो मैं मेरे साथ जिसका भी हाथ हो मैं हाथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, और दोस्ती का था तो मुझे लगा कि विकास जी के साथ मेरा हाथ होगा, तो वो बोल ही रही थी मैं लव और महजबी, वो बोले कि कुछ भी हो जाए मैं तो हाथ नहीं छोड़ूंगी, मुझे भी देखना है कि जनता मुझे पसंद करती है या आरसी जैसे लोगों को पसंद करती है, और उन्होंने बहुत बार बोली कि ज्योति अगर मेरे साथ आएगा तुम्हारा हाथ तो तू सेफ ही रहेगी, बहुत बार उन्होंने बोला, और जैसे ही जब हाथ पकड़ने के बारी आई उन्होंने फिर छोड़ डाला, तो बहुत सारे घर को लोगों को भी लगा कि इन्होंने पहले तो बहुत बार बोला कि ज्योति 4-5 बार बोला ज्योति तू टेंशन ना ले मेरे साथ हाथ आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तो कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से, और इस बार नॉमिनेशन का जो था वो कुछ अलग ही जोन में था कि जिसने रूल तोड़ा उसको हाथ पकड़ना है और फिर छोड़ना है, तो कहीं ना कहीं बहुत अनफेयर था इस बार। आपको क्या लगता है घर में चालाक लोमड़ी कौन है? कहीं ना कहीं सपना। थाली का बैंगन कौन है?
बंदगी। बंदगी का जो लव एंगल चल रहा है पुनीश के साथ, आपको लगता है कि वो उसे सर्वाइव करने में मदद करेगा? उनके मुताबिक तो यही लग रहा है, पर लोगों को कहीं ना कहीं जिस हफ्ते, अगर वो तो नॉमिनेट अभी तक हुई नहीं है, पर लोगों को अगर ऐसा बाहर क्या दिखाया जा रहा है पता नहीं, पर ऐसा फेक है वो, मुझे नहीं लगता कि वो रियल है। तो फाइनल की अगर बात करें, फाइनल में आपको क्या लगता है कौन कौन तीन कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो जा सकते हैं, और फाइनल कौन जीत सकता है बिग बॉस सीजन का, किसके नाम? शिल्पा, हिना और विकास। और इन तीनों में से कौन हो सकता है वो सबसे? मैं तो चाहती हूँ कि विकास जी जीते, और पता नहीं, यहाँ तो बिग बॉस हर हफ्ते लोगों का सोच बदलता है। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश कि आपकी एंट्री वाइल्ड कार्ड के तहत हो और जो आप चाहती हैं वो हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बुक माई टीवी एंड सब्सक्राइब टू बुक माई टीवी।